हरे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में। जब हमें प्रभु के साथ अनन्य प्रेम हो जाता है, अपने आप को प्रभु को हर प्रकार से हम समर्पित हो जाते हैं, फिर हम पर जो भी कोई विपत्ति आती है किसी भी प्रकार की, तो प्रभु भी उसे सहन नहीं कर पाते। इसका एक अद्भुत जो दृष्टांत है वो मैं इस वीडियो में आपको सुना रहा हूँ। इसको सुनकर के आपको अवश्य ही प्रभु के सीचड़ों के प्रति अनुराग बढ़ेगा। श्री कीलह देव जी महाराज के शिष्य की है घटना है रायमल जी की। बड़े ही उच्च कोटि के भक्त से संत थे। गुरु के सीचड़ों में भी इन्होंने बहुत दिनों तक गुरु की सेवा की। तो एक दिन कीलह देव जी महाराज ने रायमल जी से कहा कि अब आप सिद्ध हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, अब आप विचरण कीजिए जिससे कि अपनी जो भक्ति भावना है वह लोगों में आसानी से संचरित कर सकें, लोगों को प्रभु के श्री चरणों से जोड़ सकें। तो रायमल जी निकल दिए और विचरण करने लगे। एक दिन की बात है, एक गांव के किनारे एक बगीचा था, बाग था। तो समय हो चुका था शाम का, तो रायमल जी वहीं बैठ गए बगीचे के बाहर ही और अपना भजन ध्यान करने लगे, अपने प्रभु सालग्राम जी की पूजा अर्चना की, फिर उनका चरणामृत लेकर के पान किया। उसके पश्चात श्री सीताराम जी की मानसी सेवा में वो बैठ गए ध्यान लगा करके। इतने में क्या हुआ, गांव के कुछ उद्दंड लड़के थे, बच्चे थे, वो बच्चे आकर के, और गांव में प्राय देखा भी गया है, लोग पता नहीं बच्चे जो होते हैं उनके संस्कार ठीक से नहीं लोग दे पाते, तो ऐसी प्रकृति देखी जाती है। तो उन्होंने क्या किया, संत महाराज के ऊपर जो वहाँ पर रेत पड़ा हुआ था कि उसमें गिट्टी वगैरह भी थी, वह रेत उठा उठा करके और संत महाराज जी के ऊपर डालने लगे और बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे। अच्छा, दिन भी होली के चल रहे थे उस समय, तो गाँव में ऐसी प्रकृति होती है कि जो भी कुछ दिखाई दिया, कीचड़ कंकड़ पत्थर और धूल मिट्टी वगैरह, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पराय पता नहीं क्या सूझी मौज मस्ती, तो उन्होंने वही कंकड़ पत्थर जो पड़ा हुआ था पास में उठा उठा के महाराज जी के ऊपर डालने लगे। तो वहाँ के कुछ बड़े बूढ़े भी थे, सब वहीं खेतों में काम कर रहे थे, वो भाग करके आए, उन्होंने देखा तो कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये एक साधु भजन कर रहा है और तुम उसके भजन में विक्षेप कर रहे हो, ये क्यों डाल रहे हो, ये तो बहुत गलत आदत है। तो उन्होंने कुछ को फटकारा डांटा भी, तो वहाँ से वो थोड़ी देर के लिए तो अलग हो गए। जैसे ही वो लोग वहाँ से विचरण किए, वो फिर से वही कार्य करने लगे और अब की तो और ज़्यादा और ज़्यादा। तो महाराज जी एकदम से, जब वो लोग वहाँ से वापस गए, दोबारा जब उन्होंने यह क्रिया शुरू की, उनका थोड़ा सा ध्यान खुला, तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या, बच्चों ने तो पूरा अभिषेक कर दिया है और जो गिट्टी थी छोटी छोटी, उन गिट्टियों से उनके शरीर पर घाव भी हो गए थे। लेकिन उस समय तो मानस ध्यान में थे सीताराम जी के चरणों में, तो उन्हें उसका अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब जागृत हुए तब उन्हें पता चला, तो उन्होंने, वैसे तो क्रोध नहीं था अंदर से, लेकिन फिर भी क्रोध को जताते हुए उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो, अगर सावधान हो जाओ, तुम नहीं मानोगे और संत का अपमान करोगे तो राम जी तुम्हारे ऊपर भी यही बरसाएंगे, फूल बरसाओगे तो फूल की बारिश होगी, और ये कंकड़ मिट्टी पत्थर तुम हमारे ऊपर जो बरसा रहे हो, तो राम जी नाराज होकर के तुम्हारे ऊपर भी यही बारिश करेंगे। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, और ज़्यादा उड्डन हुए उन्होंने, तो और ज़्यादा दोनों दोनों हाथों में उठा करके के लो 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 और लो और लो और लो ऐसे करके वो तो तेज़ी से और डालने लग गए। तो अब भगवान, तो जब भगवान ने देखा कि संत की आज्ञा की अवमानना की जा रही है, तो भगवान को क्रोध आ गया। सत्य घटना है अपनी भाई बहनों। तो एकदम से धूल मिट्टी की बारिश शुरू हो गई, कंकड़ मिट्टी धूल पत्थर जो भी थे, जो भी कुछ उन्होंने मारा था वो सब बरसने लग गया। और बच्चे तो अब चीख पुकार कर करके, चिल्ल पोड़ करके इधर उधर भागने लग गए, कोई इधर मेड़ पे गिरे, कोई उधर गिरे, और बुरी तरह चिल्लाएं डकारते हुए भागते हुए घर पहुँचे। लेकिन वह जो क्रम था कंकड़ मिट्टी और पत्थर का, वो बंद नहीं हुआ। तो जो गांव के बुजुर्ग लोग थे जो वहाँ पर भी थे, उन सब ने इस घटना को बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। तब सब इकट्ठे हुए, सबको समझ में आया, तब वो सब वापस आ करके उन्हीं महाराज जी रायमल जी के पास आए, चरणों में गिर करके चरणों में
क्षमा मांगी। तो रायमल जी महाराज जी ने कहा कि प्रभु जी, हमने तो केवल इनको थोड़ा भय प्रदर्शित करने के लिए ऐसा बोल दिया, हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। और प्रभु जी, ऐसा कोई विचार नहीं है तो आप कृपा करें कि ये जो शुरुआत आपने की है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर की, इसे आप बंद कर दें, इससे ये लोग भय से बाहर आ सकें। तो जब महाराज जी ने इतना बोला रायमल जी ने, तो तुरंत ही जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बवंडर के कारण जो धूल मिट्टी की बारिश हो रही थी, राम जी नाराज हो गए थे क्योंकि उनके एक प्रेमी भक्त के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया था। तो उनके इस वचन से वह शांत हो गया, प्रभु ने अपनी माया को समेट लिया। लेकिन इस घटना से हमें शिक्षा यही प्राप्त हुई कि कभी किसी संत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी का अपराध नहीं करना चाहिए। भले ही वह बच्चे थे, ना समझ थे, फिर भी गांव वालों ने उन्हें संस्कार नहीं दिए, घर वालों ने उन्हें संस्कार नहीं दिए, वह उनकी कमी थी, इसलिए उन सबको इस आपदा से ग्रस्त होना पड़ा। घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगले किसी सत्य घटना में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु के श्री चरणों में सर रख करके क्षमा चाहता हूँ किसी प्रकार की त्रुटि के लिए। और सभी प्यारे प्यारे भक्तों से मेरी विनम्र विनती है कि षोडश महामंत्र का जप अवश्य करते रहिएगा। श्री कृष्ण भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।